इनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने आज बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और इतना सब देख के अच्छा लगता है कि यार अपना कोई दोस्त, अपना कोई यार इतना अच्छा सब कर रहा है, तो एक खुशी होती है अलग ही, मैं बयां नहीं कर सकता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। गाड़ी निकल गई है क्योंकि राइड खत्म हो गई है, लद्दाख राइड अपनी खत्म हो गई है। आपने अगर ब्लॉग्स नहीं देखे तो प्लीज़ ब्लॉग देखिए, सारे सीरीज आ गए हैं यूट्यूब पे, चैनल पे जाके देख लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज कहाँ जा रहा हूँ, तो आज है एक फ्रेंड के शोरूम का ओपनिंग। कौन सा शोरूम है, तो वो है बजाज का ऑफिशियल शोरूम, जहाँ पे सिर्फ बजाज की बाइक्स मिलेंगी और अच्छे अच्छे बाइक्स मिलेंगी। जो आप तो जानती है बजाज एक इंडियन ब्रांड है, तो अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए उसके नए शोरूम के ओपनिंग के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और आपको भी दिखाऊंगा कैसा शोरूम है। ठाणे में है ये शोरूम, सो लेट्स गो, शोरूम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, सो लेट्स गो। ठाणे में ये शोरूम बहुत ही अच्छी जगह पे है, पांच पाकड़ी रोड पे है, बहुत ही बड़ा शोरूम है, बाहर से बहुत अट्रैक्टिव है। प्रथम बजाज के नाम से अब ये बजाज का शोरूम जाना जाएगा। जैसे हम शोरूम में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बाइक डिस्प्ले पे लगाई हुई है, सिटी 100 हो गई या फिर बहुत सी अच्छी अच्छी बाइक्स अंदर भी रखी गई है। दशहरे के दिन इसका ओपनिंग होने वाला था बट थोड़ा सा इन्होंने प्रीपोन करके पहले ही ओपनिंग कर लिया है। रिसेप्शन बहुत ही अट्रैक्टिव है और उद्घाटन की पूरी तैयारी अब यहाँ पर हो चुकी है। सो बहुत सारे मेहमान भी आने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हो या बहुत सारी अच्छे अच्छे लोग, हमारे दोस्त जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आज आने वाले हैं उद्घाटन के लिए। बाइक्स सारी बजाज की जितनी भी टॉप ब्रांड्स हैं, जितने भी अच्छे अच्छे बाइक्स हैं बजाज के, सारे डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। पल्सर 200 हो गई, पल्सर 220 हो गई, NS 200 हो गई, एवेंजर हो गई, डोमिनार हो गई, तो जितनी अच्छी टॉप की बजाज की बाइक्स है सारी यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई गई है। और जैसे कि आप जानते हो बजाज एक बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, तो उसके लिए एक बार तो लाइक बनता है। और इनका बैक ऑफिस भी यहीं पे है, नज़दीक है, ऊपर ही है रखा गया है बैक ऑफिस, सो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी पेपर वर्क के लिए। और सर्विस सेंटर बस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, सर्विस सेंटर के लिए आपको वागली स्टेट जाना पड़ेगा जो कुछ ही दूरी पे है यहाँ से। तो ऑल ओवर आप जैसे देखोगे कि ये शोरूम बहुत ही अच्छा है, ठाणे या आसपास के जो एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट शोरूम हो जाएगा और अच्छी अच्छी बाइक्स आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। आज उठ गए और कल शोरूम चालू किया, नहीं, ऑलमोस्ट इन्होंने इस इंडस्ट्री में 9-10 साल गुजारे हैं, उसके बाद उन्होंने जाके ये शोरूम ओपन किया, ये पोजीशन है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय फ्रेंड्स कि उन्होंने इतना बड़ा शोरूम ओपन किया है, आई एम सो हैप्पी। अगली बाइक अपनी होगी वो बजाज से होगी, सो पता नहीं कौन सी होगी, अभी तो कावासाकी चला रहे हैं, अगली बाइक कौन सी होगी देखेंगे बाद में, पर इनसे ज़रूर एक बाइक अपने को लेना बनता है। सो लेट्स सी इन फ्यूचर, अच्छी कोई बजाज निकालेगी तो पक्का हम ले लेंगे। कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम, गणेश थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, इन्विटेशन दिया एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बचपन, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है और गणेश मेरा लोकल फ्रेंड है, सो इनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने आज बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और इतना सब देख के अच्छा लगता है कि यार अपना कोई दोस्त, अपना कोई यार इतना अच्छा सब कर रहा है, तो एक खुशी होती है अलग ही, मैं बयां नहीं कर सकता बट अच्छा लगता है। सो इन फ्यूचर आपको भी अगर कोई बाइक लेनी हो, ठाणा में आप रहते हो, ठाणा आसपास रहते हो, तो ठाणा में ये शोरूम है, आप PMC ऑफिस के अपोजिट आ जाइए, वहीं पे ये शोरूम है मेन रोड पे, और आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी बाइक्स बजाज की अच्छी अच्छी बाइक्स अच्छे रेट में मिल जाएगी, मेरा नाम बोल देना तो ये अच्छा खासा थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर। सॉरी टू इंटरप्ट, नेक्स्ट मंथ भांडुप और भिवंडी में भी ओपन होगा।
कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, भांडुप और भिवंडी में भी नया शोरूम भी ओपन कर रहे हैं। सो प्रथम बजाज, याद रखना है आपको, बजाज का शोरूम थाना में। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं, अभी लेट हो गया है, अभी ओपनिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर मेरे को लेट, तो चलिए चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू एंड सी यू। तो गाइस, कैसे लगा आपको नया शोरूम बजाज का? अगर आपको नया शोरूम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ आपका प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।